नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं अंतिम बाजी। और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है और ये पिछले दो दिन का एक ठहरा हुआ बाजार आज एक अच्छे मोमेंटम के साथ चला था। इस बीच HDFC के नंबर्स आ गए हैं। पहले एक बार वो देख लेते हैं, मुनाफा 2040 करोड़ आया है और ये वो फिर से आपको बता दें, मुनाफा 2040 करोड़ के इस बार आस पास आया है और इसका जो कंसो प्रॉफिट है वो 3040 करोड़ के आसपास बता रहे हैं। तो फिलहाल ये मुनाफा घटा है, ये 2607 करोड़ से घटकर 2040 है। एक बार आपको नंबर बताएं, 2600 से घटकर 2040। पैट 21% के आसपास घटा है और फिलहाल हालांकि शेयर अभी आधा परसेंट, अभी और नंबर्स भी इसके आ जाएंगे, लेकिन जी बिजनेस का जो अनुमान था डिम्पी वो 2040 का था। डॉट वहीं पे ही डॉट वहीं पे ही आया है और इसलिए शायद मार्केट एक बार रेंज में थोड़ा सा इसको भी रोकेगा, उसके बाद इसका रिएक्शन देखने को मिला जब और नंबर्स भी आ जाएंगे। फिलहाल जो प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा है वो बिल्कुल हिट कर गया हमारे नंबर्स पे, जो हमने आपके सामने रखा था कि 2040 के आसपास का नंबर्स रहने वाला है। इस बार स्टैंड अलोन नंबर्स ही आपके सामने हैं और हालांकि जो अगर उम्मीद देखें तो बिल्कुल ठीक वैसे आते दिख रहे हैं। अंचल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अंचल ने पूरा इसका एनालिसिस किया था। अंचल बताएं मुनाफे कैसा रहा है और इसके अलावा दूसरे नंबर्स क्या हैं? शुक्रिया रिपी। देखिए मुनाफा बैंग ऑन टारगेट आया जो एस्टिमेट किया जा रहा था, कहना का काफ़ी क्लियर था। इस बारी कोई एसेट सेल नहीं है, जो एसेट सेल की गई है बहुत मामूली है और उसका इम्पैक्ट सही तौर पर मुनाफे में आता दिखेगा और वही दिखा। 2607 करोड़ से मुनाफा घट के 2040 करोड़ रहा और कहीं ना कहीं HDFC के केस में बॉटम लाइन एक रिलीफ की साइन रही, क्योंकि बाजार कोई यहाँ नेगेटिव सरप्राइज नहीं चाहता था। क्रिटिकल आप पूरा आंकड़ा बैठ जाएगा किस तरह से इसके ग्रॉस NPA आएंगे और किस तरह से NII आएगी। देखिए मेरे पास अभी करंट रिजल्ट्स हैं और अगर उस पर देख के मैं आपको बताऊं, ओवरऑल कंपनी के प्रोविजंस बड़े हैं, डेफिनेटली उम्मीद से ज़्यादा बड़े हैं। 117 करोड़ से बढ़ के 120 करोड़, मामूली बढ़त का अनुमान था, उसके मुकाबले 148 करोड़ के प्रोविजनिंग हुए हैं, लेकिन अदरवाइज नंबर्स में एज सच कोई डेंटिंग फैक्टर नहीं है और कहीं ना कहीं वही एक चीज़ है शायद बाजार को भी जो इस समय अच्छी लग रही है एसेट क्वालिटी में सच कोई। अंचल आप एक बार और नंबर्स देखिए आपके पास पेपर से, मैं दो चीज अभी समरी कर दूं जो अभी भी नंबर्स मिले, क्योंकि शेयर थोड़ा चल भी रहा है, ट्रेडर्स जानना चाहेंगे क्या करें। प्रॉफिट जो है इनका जो घटा है थोड़ा बहुत, वो बिल्कुल बैंड टारगेट है, यानी कि मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था 2040 वही नंबर आया है। इसके अलावा जो प्रोविजनिंग अंचल हमको बता रहे हैं, उस प्रोविजनिंग के हिसाब से प्रोविजनिंग थोड़ी सी बढ़कर आई है, करीब 120 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग आनी चाहिए थी लेकिन आई है 148। ये थोड़ा सा उम्मीद से थोड़ा अलग आंकड़ा है। फिलहाल दोनों नंबर से बाजार को ज़्यादा चिंता नहीं है, HDFC के शेयर नहीं टूटना चाहिए, ये समझ में आ रहा है। दो नंबर्स हैं अंचल, इस बीच और नंबर भी आपने स्टडी किए होंगे, वो बताइए अब। देखिए डिम्पी, जहाँ एक तरफ प्रोविजनिंग का आंकड़ा बड़ा है तो नंबर्स को सपोर्ट मिला इस बारी टैक्स का। देखिए टैक्स पे आउट अगर आप देखेंगे 1035 करोड़ से घट के 894 करोड़ रहा है, तो जो 100-125 करोड़ का जंप प्रोविजनिंग में दिखा है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है टैक्स बुक ने, तो कहीं ना कहीं वही एक कारण रहा बॉटम लाइन स्ट्रांग रही है। जैसा कहता था ग्रॉस NPA फ्रंट पे बैंक ने कंपनी का एज सच कोई फ्लैग ऑफ कंसर्न नहीं आया है, एसेट क्वालिटी अभी मजबूत है। एग्जैक्ट GNPA का फिगर मैं ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही वो मिल जाता है कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन हाँ जिस तरह के नंबर्स दिख रहे हैं स्लिपेजेस उतने बड़े नहीं। अगर वो आपने देखा है तो क्या वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहा है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम 2960 करोड़ के आसपास का आकलन था आने का, लेकिन शायद ये 3200 करोड़ के आसपास आया है। तो उस लिहाज से देखें तो पैट अनुमान के मुताबिक रहा, प्रोविजन थोड़ा सा अनुमान से ज्यादा बढ़कर आया है और अगर नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो अनुमान से बेहतर लग रही है। ये NII का फिगर देखा क्या आपने? बिल्कुल दीपाली, NII के फ्रंट पे अच्छा नंबर रहा है, जिस तरह की बात कर रहे थे हम एस्टिमेट्स में भी, रिटेल सेगमेंट इस बार सरप्राइज कार्ड प्ले करेगा और वही होता हुआ दिखा है। एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है रिटेल सेगमेंट की और उसी ने कहीं ना कहीं ओवरऑल NII को बूस्ट किया है। दूसरी ओर जहां तक रही बात एग्जैक्ट ग्रॉस NPA फिगर्स की, वो प्रेस रिलीज का इंतजार करना होगा एग्जैक्टली मैनेजमेंट कमेंट्री में क्या ग्रॉस NPA आते हैं, लेकिन हाँ क्योंकि एक अच्छी NII आई है, प्रॉफिट को भी मेंटेन किया है, प्रोविजनिंग आउट ऑफ द बॉक्स नहीं गई है, तो आप ये डेफिनेटली कह सकते हैं एसेट क्वालिटी भी कहीं ना कहीं कायम है इस बारी भी कंपनी की। ठीक है, मिक्स्ड है, कोई भी आंकड़ा ऐसा नहीं दिख रहा जो कि ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करने वाली कंडीशन में हो, इसलिए 1570 का शेयर अभी तक हिल ही नहीं पा रहा है, ये सिर्फ 7-10 रुपए की रेंज में है। जो थोड़ा सा कंसर्न दिखा वो इसकी प्रोविजनिंग पे दिखा, जो एस्टिमेटेड था उससे थोड़ी ज़्यादा आ गई, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम और साथ ही साथ इसका पैट वो बिल्कुल बैंग ऑन द टारगेट है, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था ठीक वैसा ही आते हुए दिखा है। संजीव भसीन इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश सतपुते मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश से एक बार टेक्निकल व्यू लेते हैं और संजीव से एक बार फंडामेंटल व्यू लेंगे। पहले संजीव से जानते हैं, अब माफ कीजिए, पहले टेक्निकल राजेश से समझ लेते हैं। राजेश एक बार HDFC में क्या करना चाहिए? अभी नंबर्स लग रहा है कि प्रॉफिट ठीक है, जंचल ने हमको समझाया, नेट इंटरेस्ट इनकम ठीक है, इनलाइन आ गई, लेकिन थोड़ी प्रोविजनिंग बढ़ के आई है, ये एडजस्टमेंट हो रही है अभी,
1500 का शेयर हिलडुल नहीं रहा, सिर्फ 5-7 रुपए की रेंज में चल रहा है, ये कहां पे जा सकता है, ऊपर या फिर नीचे? डिम्पी, मुझे लगता है कि यहाँ से करेक्शन ही आएगा, क्योंकि जो इसका टेक्निकल पैटर्न है, जो सेटअप है, उसके हिसाब से 1600 का एक रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे टेक्निकली देखो तो एक इट्स अ राइजिंग वेज फॉर्मेशन, और राइजिंग फॉर्मेशन पे 1600 का ये पीक है, तो अगर 1600 के ऊपर जाएगा, लेट मी पुट इट दिस वे, हम लोग तेजी की जो बात कर रहे हैं वो 1600 के ऊपर जाएगा तो एक्सटेंड हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से करेक्शन आएगा, और करेक्शन के लिए मुझे लगता है इसका जो टारगेट रहेगा वो रफली रहेगा 1500 तक का। संजीव भसीन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मिस्टर भसीन, गुड आफ्टरनून। ये HDFC लिमिटेड के नंबर्स आए हैं अभी और तीन फिगर्स हमारे पास, एक तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो अनुमान या फिर अनुमान से थोड़े से बेहतर साइड पर आई है, पैट एक्जैक्टली अनुमान के मुताबिक रहा है 2040 करोड़, का जो प्रोविजनिंग है वो 117 करोड़ से बढ़कर 148 करोड़ है सिक्वेंशियल बेसिस पर। जो प्राइमा फेसी फिगर्स आए हैं उनके हिसाब से नंबर्स आपको कैसे लग रहे हैं, क्योंकि स्टॉक जब नंबर्स आए थे तब 0.5% ऊपर था और अब बिल्कुल फ्लैट रेट कर रहा है 1570 के लेवल्स पर। देखिए, पहले ही ये शेयर अभी 10% रिसेंटली 10 दिन में ही चल चुका है, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट ये एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। इसमें ये भी लेके चलिए कि इसकी इनकम में अभी आपने वन टाइम गेन ऑफ HDFC लाइफ स्टाइल का जो लाइफ का जो है वो हिस्सेदारी नहीं जोड़ी, तो नंबर्स इन लाइन से थोड़े से वीक है, बट अभी मार्केट ये प्राइस इन कर रही है कि आगे जाते हुए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर इन अ वेरी वेरी गुड स्पेस, क्योंकि लो इंटरेस्ट कॉस्ट है और लो कॉस्ट हाउसिंग में जितना ज्यादा प्रभाव बढ़ रहा है उसके लिए एंटिसिपेशन में HDFC एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। स्टॉक इज नॉट चीप, इट्स नॉट वेरी मैंने फुली प्राइस मेरे हिसाब से, लेकिन कोई भी डिक्लाइन मिले तो एक क्वालिटी स्टॉक है अगर आप लेना चाहें इन द हाउसिंग फाइनेंस स्पेस। हमारा इसका साल भर का एंड ऑफ द ईयर का टारगेट 1750 रुपए। ठीक है। अच्छा संजीव, ये आप जो डिप कह रहे हैं, डिप कहां तक समझे, 1500 के आसपास या 1550 के आसपास? देखिए, ये तो आपको अभी मार्केट को गेज देखना है, मार्केट अच्छे आए तो रिजल्ट आप देखिए, 10% आज ICICI बैंक, मैं तीन शेयर बोलता हूँ, ICICI बैंक, लीवर और ITC, उन्होंने निफ्टी को एकदम चमका दिया है, जबकि बाकी शेयर जो आप लो तो सारे प्राइवेट बैंक वीक है सारे, तो इट्स अ डाइकोटमी, और HDFC एक बहुत प्रीमियम स्टॉक है, उसमें 50-100 रुपए मिल जाए आई डोंट रूल आउट यू विल गेट द डिक्लाइन, वो लेने वाला मौका है। ठीक है संजीव, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए। अभी HDFC के जो नंबर्स हैं, अगर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, रुक जाइए, अभी थोड़ा रुक जाइए, इसके अंदर आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलने में हो सकता है आधे घंटे का समय लग जाए, हो सकता है आज दिन भर में ना भी मिले, तो इसलिए जल्दबाजी मत कीजिएगा, ना ही शॉर्ट करने में ना ही लॉन्ग करने में, फिलहाल अभी थोड़ा रुक जाए। एक टेक्निकल व्यू हम आपको ऑलरेडी दिलवा चुके हैं, 1600 के ऊपर और चलेगा, 1600 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी है, 1500 पे सपोर्ट है, ये 100 पॉइंट का बड़ा मूव है इसके पास, अभी इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। नंबर्स जितने अब तक आए हैं उस हिसाब से एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर्स कहीं से भी नहीं लग रहे हैं, ना ही गिरावट के लिहाज से ये ब्रेक डाउन दे रहा है, ना ही बढ़त के लिहाज से ब्रेक आउट आएगा, इसलिए ट्रेडिंग मूव के लिए रुक जाइएगा HDFC के अंदर, ये अच्छा प्ले का आज का कम से कम, ये अच्छा प्ले तो नहीं है अगर आप एक घंटे के हिसाब से कुछ सोच रहे हैं तो, इस थोड़ा सा शांत रहिए इस शेयर के अंदर अभी। लेकिन कुछ एक और शेयर है, सुमित बागड़िया भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम समझेंगे। सुमित, पहले तो मेरे को ये बताइए बैंक निफ्टी के अंदर मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि आज मेरे पास अच्छे गेंस है बैंक निफ्टी के, क्योंकि मैं एक एक शेयर चुनना नहीं चाहता था इसलिए मैंने आज कंसोलिडेटेड बैंक निफ्टी ली, और अब मैं ऑलमोस्ट वापस ऑल टाइम हाई के आसपास आ रहा हूँ, 2700-2750 की रेंज आ चुकी है मेरे पास, एक बार प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी होल्ड करें बैंक निफ्टी का? गुड आफ्टरनून डिम्पी। वेल, डिसीजन एकदम सही है आपका बैंक निफ्टी को लेने का, बैंक निफ्टी इमीडिएटली एक ब्रेकआउट दे चुका है, बैंक निफ्टी 22700 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि 22900 और 23000 के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं इमीडिएटली, 22900 से 23000 के टारगेट मान के चले, जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशंस लेके रखे हुए पोजीशंस होल्ड करें और ट्रेलिंग स्टॉपलॉस लगा के चले इमीडिएटली, अगर ट्रेलिंग स्टॉपलॉस लगाना है किसी को तो वो ट्रेलिंग स्टॉपलॉस लगा सकते हैं ऑलमोस्ट 22600 के आसपास। इस बीच फोन लाइन पर हमारे साथ मिस्टर रविकांत भट्ट मौजूद हैं, बैंकिंग एनालिस्ट हैं IDBI कैपिटल से। रवि, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। ये फिगर्स आपने देख लिए होंगे HDFC लिमिटेड के, कैसे लग रहे हैं नंबर्स? प्रॉफिट तो ब्रॉडली इन लाइन है, और बाकी मुझे ये लोन कुछ कितना हुआ है पता नहीं है, वो नंबर्स तो मेरे हाथ आए नहीं है अब तक, बट ब्रॉडली जो एक्सपेक्टेशन से एज फार एज फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर कंसर्न्ड उससे तो ये मैच हो रहा है।
अच्छा, ये मैच हो रहा है तो री रेट का कैंडिडेट बन रहा है मिस्टर भट्ट या फिर अभी नहीं बन रहा? नहीं, एज इन ऐसा है, री रेटिंग के लिए यू नो एक दो बातें होनी चाहिए। एक तो ग्रोथ रेट जो अब तक डिलीवर किया है उससे कई ज्यादा, अगर मीनिंगफुली ज्यादा अगर बता दे तो अर्निंग्स में री रेटिंग आ सकता है और उस हिसाब से री रेटिंग हो सकता है। बट अभी तो उसके उसकी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। ठीक है। अच्छा मिस्टर भट्ट, एक और चीज, ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों ही तरह की कम्युनिटी है, इन्वेस्टर को रखना चाहिए, ट्रेडर्स को अभी प्ले नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ है राय आपकी? मैं तो ब्रॉडली वन शुड लुक एट HDFC फ्रॉम इन्वेस्टमेंट स्टैंडपॉइंट, तो ट्रेडिंग के बारे में तो मैं कुछ खास बोल नहीं सकता, लेकिन इन्वेस्टर को पक्का रखना चाहिए। ठीक है। एक और क्वेश्चन रवि, वो HDFC लिमिटेड पर नहीं बल्कि ICICI बैंक पर होगा, ये आज के 9% 10% के सर्च के बाद क्या सलाह दी है आपने अपने क्लाइंट्स को, प्रॉफिट्स बुक करने की, होल्ड करने की, नई पोजीशंस बनाने की? नहीं, आई थिंक बुक करने की, प्रॉफिट बुक करने की तो सलाह वगैरह नहीं दी है हमने, क्योंकि कल मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी उत्साहवर्धक थी, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थी, तो आई थिंक और भी अच्छे नतीजे आ सकते हैं ICICI बैंक में। ठीक है। अच्छा रवि, एक और चीज़, ये भी HDFC के अंदर जो प्रोविजन थोड़ा सा बढ़ कर आया, हमारा एस्टिमेट करीब 120 के आने का था, 148 आया, ये ज़्यादा कॉज ऑफ अ कंसर्न तो नहीं है, क्योंकि आजकल प्रोविजन से डर लगता है? लेकिन HDFC का अगर आप ब्रॉड रेंज देखोगे प्रोविजनिंग का, तो इनफैक्ट फर्स्ट क्वार्टर में तो 340 करोड़ प्रोविजनिंग थे, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, बट अगर आप ओवरऑल HDFC का कवरेज देखोगे तो 100% से भी ज्यादा है, तो ऐसे कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है। चलिए, शुक्रिया आपका रवि बातचीत करने के लिए, जी बिजनेस और अपने व्यू शेयर करने के लिए। ये राजेश, एक कमेंट आप ICICI बैंक पर भी दे दीजिए, अभी ये 10% ऊपर है, ये टारगेट्स क्या हो सकते हैं नेक्स्ट लाइकली? देखिए, ICICI बैंक का जो हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव है। हमें लगता है कि आज के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 294-95 के ऊपर अगर ये बन देता है तो डेफिनेटली इसमें एक शॉर्ट टर्म रैली आएगी, और मुझे लगता है कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, नेक्स्ट पड़ाव रहेगा, दैट विल बी समवेयर 320-320। चलिए यहाँ से सीधे रुक कर लेते हैं HDFC लिमिटेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 78 क्रॉस, व्हिच इज एन इंक्रीज ऑफ 16% ओवर 291,531 क्रॉस इन द प्रीवियस ईयर। If you look at individual loan book growth, it was 16%. Overall growth was also 16%. The non-individual loan book growth was 17%. So if you recall the last two or three years, we've seen a slowdown, a slower growth in the non-individual segment, and that has corrected in the current year, and the growth in that segment has been higher. Now, as you know, we do not retain all the loans we originate. We also sell down loans. In this quarter, we have sold loans aggregating to 5,625 crores. These are loans sold not just to HDFC Bank pursuant to the mortgage sharing arrangement we have with them, but it is also loans sold to other banks at a much higher spread. So if you look at the last 12 months, we have sold loans aggregating in all to 16,027 crores. Now, when we sell a loan, we do not book the profits up front. So the difference between the rate at which the loan is sold and the underlying interest rate on that loan, that differential will come through to the P&L account on an annual basis. This is very different from the way you would need to account for this under IFRS or US GAAP, where you would discount the future receivables, take it to its present value and take the income up front. In India, we do not do that. So therefore, on 31st of March, we had a total book of 41,296 crores of rupees. Where we have sold the loans, we do not carry the underlying risk in respect of those loans. There is no credit enhancement we provided. There is no capital we need to provide in respect of these loans. But we get a weighted average return of 1.24% on these loans. So we earn income not just on loans which are appearing in the balance sheet. We also earn income on loans which have been sold by us. If we had not sold any loans in the current year, then the growth in the overall loan book would have been 21% and the growth in the individual loan book would have been 23%. Now, if we look at the incremental growth that we have seen in the balance sheet, which means if you were to look at the outstanding loans on 31st March 2017 and compare that with 31st March 2016 and look at the growth in the loan book and split that between how much happened on individual loans and how much was on non-individual loans, individual loans for the whole year constituted 71% of the growth in the loan book.
and non-individual loans constituted 29% of the growth in the loan book. If you look at it purely on a balance sheet basis, individual loans are 73% of the total, non-individual loans are 27%. But incrementally for the year, it's been 71-29. If we were to look only at the fourth quarter of the financial year, which is January to March, then the split would have been even more, slightly more skewed. Individual loans would have been 66% of the growth, and non-individual loans would have been 34% of the growth. Now, the growth in the non-individual segment has come significantly on loan, on lease rental discounting loans. Not so much on corporate loans, but on lease rental discounting loans. So out of the total growth for the year, 19% of the book has grown up. 19% of the increase in the loan book has been on account of lease rental discounting loans. As required under Indian GAAP, we continue to reflect all our investments at historical cost and not at fair value. The unrecognized profits on our listed investments, where there is a transparent stock market valuation you could look at, on 31st of March, stood at 81,514 crores of rupees. So this 81,514 crores is not part of our net worth. It's not part of our shareholders' funds, because under Indian accounting rules, all investments are held at historical cost, and the historical cost is much, much lower. In addition to the listed investments, we also have investments in the life insurance business, the general insurance business, the asset management business, the education finance business, the venture capital companies, and so on and so forth. If you were to look at only the life insurance and the life insurance business, where by virtue of the proposed merger with Max, and Max is a listed company, we could derive a value for our business. Our sense is that the unrealized gain on both our insurance companies put together, life and non-life, would be the tune of another about 36,000 crores. And that excludes the asset management business, which would be even higher. But because these are unlisted investments, there is a tax payable on those investments. On listed investments, as you know, under Indian tax laws, there's no tax payable. Book value of our share is significantly underreported by virtue of the fact that all our investments are held at historical cost. If you were to look at a book value per share, the number looks very low at 250 rupees a share. But obviously that number is low because the investments are all reflected at their historical cost. If we take into account only the listed investments and exclude even life insurance, general insurance, asset management, and all the other businesses, we exclude all of that, then the adjusted book value figure would go to 763 rupees. And would go much higher if we were to then include the life insurance, the general insurance, and the asset management companies. Capital adequacy as of 31st of March stood at 14.5%. Of that capital adequacy, Tier 1 capital stands at 11.8% and Tier 2 capital stands at 2.7%. जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमको दो तीन बातें और अच्छी समझ में आई, उसमें यह है कि करीब 5000 प्लस करोड़ रुपए के इन्होंने एसेट्स को बेचा भी है। इस बार जो लोन बुक है वो 2 लाख करोड़ की है, उसमें ग्रोथ जो है वो 21% की बता रहे हैं। और अभी तक जो तीन पॉइंट्स हमको समझ में आए इनकी कॉन्फ्रेंस से, वो बहुत अहम थे। एक तो 5000 प्लस करोड़ के इन्होंने लोन्स को बेचे हैं, एसेट्स को सोल्व किया है, 21% की ग्रोथ आई है, और साथ ही साथ इनके पास 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की लोन बुक अभी अवेलेबल है। प्रोविजनिंग की जहाँ तक बात है, चिंता की बात अभी तक नहीं दिख रही है। ये पूरा समअप कर रहे हैं आपके सामने HDFC। इनकम की जहाँ तक बात है, वो मार्केट के अकॉर्डिंग आई है। जो पैट है वो मार्केट के अकॉर्डिंग आया है। तो अभी भी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, उसमें से भी कुछ कोई बहुत बड़ा सिग्नल नहीं निकल के आ रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ जो नोटिसेबल थी कि जो 5000 करोड़ के एसेट्स बेचे गए हैं, ये हमने आपके सामने बात रख दी है। तो इस पर नज़र रखें, फिलहाल ट्रेडिंग मूव शायद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस बीच आप निचले बैंड में भी देख पा रहे होंगे कुछ फर्टिलाइजर स्पेस की संख्या एक बढ़ गई है। अब आप एक एक करके शेयर देखिए, आप शेयर देखिए स्पिक को, सदर्न पेट्रोलियम को, ये करीब 3% ऊपर, NFL ये 3% ऊपर, गुजरात स्टेट ये 3% ऊपर, RCF करीब 4% ऊपर। ये सडन स्पाइक एकदम से वापस फर्टिलाइजर पर बन गया है। ये कई दिन पहले रुके हुए थे, लेकिन अब एकाएक इन सभी के अंदर वापस मजबूती आती दिख रही है। आप चंबल फर्टिलाइजर को देखिए, ये करीब 14% ऊपर है।
आप कोरोमंडल इंटरनेशनल को देखिए, थोड़ी देर पहले हम इस पर डिस्कस भी कर रहे थे, ये शेयर करीब 10% ऊपर है। एक एक शेयर आप देखिए, कोरोमंडल चंबल भी देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर आएगा, ये करीब 13% दिन के उच्चतम स्तरों पर चल रहा है। राजेश, ये चंबल फर्टिलाइजर, RCF, कोरो, इन सब में से कोई शेयर आपको पसंद है? ये मूव थोड़ा साइक्लिक लग रहा है, इस मूव के पीछे कुछ न्यूज फ्लो लग रही है, ये ऐसे नहीं चल सकता, ये बिना इस तरह से 15% का मूव आ नहीं सकता, या तो सरकार कुछ घोषणा करने वाली है, या तो ऑपरेटर्स के हाथ में कोई खबर लगी है, या तो सेक्रेटोरियल कोई बड़ा मूव इसमें होने वाला है, हो सकता है DBT भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सा शेयर ज़्यादा ठीक लग रहा है? डिम्पी, मुझे लगता है कि जैसे कि चंबल फर्टिलाइजर, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, यहाँ पे अगर आप ले तो हमने देखा था 55 to 60 के आसपास का इसका बॉटम है। नाउ इट इज स्टडी एट 120, इट्स ऑलमोस्ट 100% अप। अगर यहाँ पे वीकली चार्ट भी देखो तो इसका जो डबल टॉप फॉर्मेशन है, जिसका रेजिस्टेंस बनता है रफली 118-120 के आसपास, मोटा मोटी जितने भी फर्टिलाइजर काउंटर्स हैं, मैंने देखा कि जितने भी उसमें मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, ग्रिप बहुत स्ट्रांग है, मैं यही कहूँगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग ना करें, क्योंकि हमने ऐसे बहुत बार देखा है, बहुत मौक़ों पर देखा है कि ये काउंटर जो है ये कहीं ना कहीं हाथ में अगर आपने आ जाता है तो बाद में एग्जिट मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो सेल ऑन राइज करें तो ज़्यादा बेहतर है, प्रॉफिट टेकिंग इज प्रिफर्ड एट दिस लेवल। मयूरेश जोशी हमारे साथ मौजूद हैं एंजल ब्रोकिंग से, उनसे बातचीत करते हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। मार्केट्स तो एक बार फिर से दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुके हैं और इनफैक्ट लाइफ टाइम हाई इसके बेहद नजदीक ट्रेड करें, क्योंकि 9360 का लेवल है, 9355 का जो अभी देखा जा रहा है। लेकिन बैंकिंग की ओर से जो पार्टिसिपेशन आया है मयूरेश, उसे देखने के बाद मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ICICI बैंक खरीदें आफ्टर अर्निंग्स, जहां पर मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पॉजिटिव है, ब्रोकर हाउसेस पॉजिटिव हैं, सरकारी बैंकों में SBI बैंक ऑफ बड़ौदा ले लें, यहां पर छोटे बैंकों को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए? इन तीनों बैंकिंग में, जो ये तीनों अलग अलग सेगमेंट्स की मैंने बात की, इसमें से आपका कन्विक्शन अच्छे रिटर्न्स के लिहाज से, नई खरीदारी के लिहाज से है कहां? सो लार्जली दीपाली जी, आफ्टरनून। मेरे ख्याल से आई थिंक तीनों का एक मिक्स होना चाहिए पोर्टफोलियो में, और अगर आपका बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में एक एलोकेशन है तो मेरे ख्याल से आई थिंक कॉर्पोरेट फेसिंग बैंक, स्पेशली बैंक्स लाइक ICICI बैंक जिसके नंबर काफ़ी अच्छे हैं, मुझे लगता है आई थिंक अगर आप सिर्फ बुक वैल्यू ले लें, एडजस्टेड बुक वैल्यू FY19 के बेसिस पे 150 रुपया, वैल्यू ऑफ सब्सिडीज 80 रुपीज़, तो ये लेवल पे भी आई थिंक काफ़ी चीपली ट्रेड कर रहा है। तो ICICI बैंक एक बहुत टॉपिक रहेगा फ्रॉम दी कॉर्पोरेट फेसिंग बैलेंस शीट्स। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलवेज हैव बीन माई फेवरेट्स। मेरे ख्याल से आई थिंक जो इनकी कैपिटल एडिक्सी है, स्प्रेड है, लोन ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है, और जैसे जनरली बैंकिंग इंडस्ट्री की हम बात करें तो आई थिंक दीज लार्जर PSU बैंक्स शुड होल्ड आउट। और मिड कैप प्राइवेट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक आई ऑलवेज लाइक फेडरल बैंक, तो आई थिंक फेडरल बैंक इज समथिंग दैट कैन बी कंसिडर्ड ऑन डिक्लाइंस, और सिटी यूनियन बैंक और करूर VSA बैंक। मुझे लगता है तीनों प्राइवेट सेक्टर बैंक अगर डिक्लाइंस में मिलते हैं तो एक कंपोजिट पोर्टफोलियो हो जाएगा फॉर द बैंकिंग स्पेस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। अभी हमने सारी फर्टिलाइजर कंपनी तो आपको दिखाई, इस बीच एक केमिकल की कंपनी जो टिपिकली थोड़ा एग्रोकेमिकल भी बनाती है, एग्रीकल्चर से डिवीजन से मतलब भी रखती है, वह बासफ BASF इंडिया। इसके अभी नंबर्स आए हैं, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक हुई है, ये शेयर का एक डिप लेके गया है अभी, हालांकि इसकी आय ठीक है, मार्जिन थोड़े घट गए हैं, पहले 11% थे, अभी घटकर 9.5% के आसपास आए हैं, ये रिजल्ट का भी इम्पैक्ट इसमें कैलकुलेट हो रहा है। थोड़ा रुक जाइएगा इस शेयर के अंदर भी, ये भी एग्रो ही है, एग्रो केमिकल वाली कंपनी है, हालांकि फर्टिलाइजर स्पेस अपने आप में बहुत तेज़ है, लेकिन एग्रो केमिकल के अंदर भी अच्छा प्ले देखने को मिल रहा था, बासफ के नंबर के बाद ही एडजस्टमेंट है। थोड़ा रुकिएगा, मार्जिन्स गिरे हैं, प्रॉफिट गिरा है, इनकम ठीक है, ये तीन पैरामीटर पे इस कंपनी को चेक किया, फिलहाल थोड़ा एडजस्टमेंट हो रहा है नंबर्स का। एक बार राजेश आप इसको देखेंगे, ये सपोर्ट कहाँ पर मिल रहा है और इसको रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा? नंबर्स के एडजस्टमेंट है, जो मैंने इसके चार्ट निकाले उसके हिसाब से कम ये 1200 तक भी जा सकता है अगर टूटा, और चला तो ये 1400 को भी पार कर जाएगा जल्दी ही। डिम्पी, यहाँ पे जो सपोर्ट दिख रहा है, ये जो कंसोलिडेशन हुआ है वो 1300 के आसपास हुआ है, यानी 1295 से लेके 1300 ये रेंज है जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है कि वो टूटना थोड़ा सा चार्टिकली मुझे लगता है कि अभी नहीं टूटेगा, और इनफैक्ट मुझे लगता है एक रैली इसको इसमें आ सकती है, और रफली इसका जो टारगेट बनता है वो रहेगा 1410-1420 तक का। तो यहाँ पे अगर किसी को कॉन्ट्रा करना है तो स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो 1300 के नीचे होना चाहिए। फिलहाल के लिए काउंटर में स्ट्रेंथ है, इनफैक्ट वी आर टॉकिंग एंड काउंटर इज गोइंग अप, तो मुझे लगता है कि काउंटर में 1300 के सपोर्ट के साथ काम करना चाहिए।
एक बार सेरा सैनिटरी वेयर के नंबर्स देख लेते हैं, क्योंकि नंबर्स पर बातचीत करने के लिए मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ विक्रम सोमानी है जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सेरा सैनिटरी वेयर के। प्रॉफिटेबिलिटी का फिगर आपकी स्क्रीन पर है, 8% की बढ़त दिखी है, 32.3 करोड़ का आंकड़ा ही आया है। वहीं अगर हम देखें ओवरऑल रेवेन्यूज तो वहां पर 13% तक की ग्रोथ आते हुए दिखी है। इन्हीं नंबर्स पर बातचीत कर लेते हैं, मिस्टर सोमानी हमारे साथ मौजूद भी हैं। मिस्टर सोमानी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि डी मोनेटाइजेशन के बाद हमने देखा था कि जो ओवरऑल सेल्स थी कंपनी की वो डिप हुई थी, वो उस डिप के बाद कितनी रिकवरी इस क्वार्टर के अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट हुई है, कितनी अभी और रिकवरी आनी बाकी है, ओवरऑल नंबर्स को देखते हुए, डिमांड सिनेरियो को देखते हुए क्या प्रोजेक्शंस हैं? देखिए, डीमोनेटाइजेशन के बाद हमारी टॉप लाइन ग्रोथ कम हो गई, 10% ही थी पूरे साल की। अब रिकवरी चालू हुई है एंड वी फील कि जीएसटी आएगा 1 जुलाई से, उसके बाद सेल्स की रिकवरी अच्छी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स जीएसटी का भी रेट फिक्स नहीं हुआ है, बट लग रहा है कि रिकवरी चालू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा मिस्टर सोमानी, एक चीज़ बताइए, आपकी वेबसाइट देख के ना कंपनी की ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप लग्जरी सैनिटरी वेयर में ही डील करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी स्टेट ऑर्डर्स भी आपको मिलते हैं क्या? नहीं, हम लोग मिड साइज में भी करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये सब से थोड़े बहुत ऑर्डर है वो हम लोग आउटसोर्स भी करते हैं, बट एक्चुअली वी आर मिड लेवल टू मिड से हाई लेवल प्लेयर्स, एकदम लोअर क्वालिटी का हम लोग नहीं बनाते हैं, बट हम लोग आउटसोर्स। की वेबसाइट देख के लग रहा था कि मेरे को लग रहा था कि शायद गवर्नमेंट का प्रपोर्शन आपका जरूर कम होगा। अच्छा सर, ये लग्जरी सेगमेंट के अंदर आप जो है इसका कुल एक्सपोर्ट कितना करते हैं अपने टोटल प्रोडक्ट्स का? और क्योंकि अभी रुपया नीचे है इसलिए मेरा सवाल ये थोड़ा सा वाजिब था कि पूछना है एज ए इन्वेस्टर कि कुछ हेज भी करते हैं आप इसको? नहीं, वो सब तो नहीं करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं है क्योंकि इट्स नॉट रिम्यूनरेटिव। करीब एक्सपोर्ट इस साल 10-1 करोड़ रुपए का हुआ है। ठीक है। मिस्टर सोमानी, एक चीज और, जैसे आपने कहा कि FY 17 में जो आपकी टॉप लाइन ग्रोथ थी वो 10% के आसपास रही थी और जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद आप सेल्स में डिमांड में इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपके गाइडेंस कहें या फिर प्रोजेक्शंस कहें वो क्या रहेंगे FY 18 की टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ में, पहली चीज? और दूसरी चीज ये, जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद क्या कोई प्राइस रिविजन भी आपकी ओर से होगा अपने प्रोडक्ट्स के लिए? हाँ देखिए, जीएसटी के बाद हम लोग सोच रहे हैं प्राइस रिवीजन का, बट एक बार जीएसटी का रेट नक्की हो जाए उसके बाद। और जहाँ तक टॉप लाइन है, इस साल हम लोग का 10% है तो हम लोग उम्मीद तो करते हैं कि 20% कम से कम टॉप लाइन हो, और बॉटम लाइन इस पूरे साल का हम लोग का 21% था तो वी होप कि कॉरेस्पॉन्डिंगली बॉटम लाइन भी इंक्रीज करेगा करेंट ईयर में। ठीक है। अच्छा सर, एक कॉस्टिंग का प्रेशर कितना बढ़ रहा है या फिर घट रहा है इस क्वार्टर के हिसाब से? अगर मैं क्वार्टर टू क्वार्टर चलना चाहूँ तो लास्ट क्वार्टर कितना था, इस बार कितना है और आने वाला क्वार्टर में कितना हो सकता है, ये कॉस्टिंग प्रेशर इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग, रॉ मटेरियल टू द गैस सप्लाई? कॉस्टिंग का प्रेशर तो बढ़ा नहीं, इनफैक्ट गैस सप्लाई चार्जेस में हम लोग के करेंट ईयर में 50% रिडक्शन है एज कम्पेयर टू द अर्लियर ईयर, तो गैस का हम लोग सोचते हैं कि स्टेबल ही रहेगा, कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रॉ मटेरियल कॉस्ट हम लोग का फॉर दी एज कम्पेयर टू द प्रोडक्शन इज अराउंड 22% और सैलरी वेजेस करीब 33% है, तो ये जो नॉर्मल इंक्रीमेंट है वो होएगा, बट वी विल ऑफसेट अगेंस्ट द प्राइस राइज विच वी होप एक दो महीने में या जून जुलाई से तो हो ही जाए। एक चीज़ और मिस्टर सोमानी आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आपने अभी खुद भी बताया कि हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं और जिस तरह का अफोर्डेबल हाउसिंग का को पुश दिया जा रहा है, क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी कुछ रिवाइज कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल सेगमेंट में भी लॉन्च करने के बारे में प्लान कर रहे हैं? हाँ, हम लोग भी अफोर्डेबल सेगमेंट में, वैसे हम लोग मिड लेवल में तो हैं, तो अफोर्डेबल हाउसिंग का भी हम लोग के काफ़ी मटेरियल्स है लाइक इंडियन पैंस एंड उड़ीसा पैंस, तो ये हम लोग के कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग में जा भी रहा है एंड वी होप कि वील बी एबल टू सप्लाई मोर टू देम। सर, मार्जिन्स पे कितना फर्क पड़ेगा, ये आखिरी सवाल है आपसे। मार्जिन्स में तो खास नहीं, हम लोग के बिट्टा मार्जिन जो 2015-16 था उससे 2016-17 1% बढ़ाई है, तो वी आर ट्राइंग टू बी मोर एफिशिएंट,
तो मार्जिन में वी आर ट्राइंग कि कुछ एबिटा मार्जिन बेटर हो, इम्प्रूव करे, यही चेष्टा है जी। चलिए शुक्रिया मिस्टर सोमानी, आपने समय दिया और अर्निंग्स पर एलैबोरेट किया। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर। सेरा सेंट्रीवेयर अभी डेलो पर ट्रेड कराए करीब 35 रुपये नीचे।